अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हम पर्पज़ ऑफ लाइफ मॉडल सिटी फेज़ वन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर काम की मौजूद है। सूरत हाल के हवाले से हमारे जो मॉडल सिटी के काम के इंजीनियर हैं वो इंशाल्लाह तफसीलात से आगाह करेंगे कि इस वक्त मौजूद है काम की क्या सूरत हाल है। जानिएगा आगे की वीडियो में। सर ये देखें, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे दो कमरे वाले घर, चार अदद, एक पूरा ब्लॉक अपने डीपीसी के आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह दो दिन के बाद हम इसकी मिट्टी की फिलिंग शुरू कर देंगे, जो कि अपने हिसाब से पूरा फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी दीवारें जो हैं वो उठना शुरू हो जाएंगी। ये रोड से तकरीबन 1.5 फुट के करीब मिट्टी काट के इसके अंदर डाली जाएगी। ये हमारा फिर घर अपने हिसाब से इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक दीवारें जो है ना अपने पोजीशन पे आ जाएंगी और ये घर अपना कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये रमज़ान से पहले हमारी उम्मीद है कि ये घर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारा सिंगल रूम वाला शेल्टर है सर। ये खैर से इसका दरवाज़ा, ये दीवारें ओपन हो चुकी हैं, अपनी हाइट पर आने वाली हैं। और ये यहाँ पर वाशरूम का हिस्सा है, साथ में ये किचन का हिस्सा है। और ऐसे ही अंदर जाएंगे तो ये हमारा 14x14 का कमरा हो जाएगा। तो ये इसकी एक लोकेशन है, फिर ये बराबर में दूसरा घर है, और फिर इस तरीके से तीसरा और ये चौथा घर। तो इसकी भी अपनी पोजीशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको छत तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद छत के जो अपना रूफ है वो फाइनल हो जाएगा। तो इसकी ये कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। ये एक कमरा, ये फिर बरामदा, और ये वाशरूम इसका। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये बाउंड्री का सरिया, जो फाउंडेशन के पैलेट्स हैं, ये तैयार हैं। इंशाल्लाह कल नहीं परसों इसके ये बकाया चीज़ें भी तैयार हो रही हैं। तो इंशाल्लाह दो दिन के बाद हम इसकी फिलिंग शुरू कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास घरों का लोहा और साथ में बाउंड्री वाल का लोहा ये हम अवेल कर चुके हैं। साथ में ये सीमेंट है, 650 बोरी ये अवेल कर दिए हैं, ताकि जो आगे कंस्ट्रक्शन का मामला हो वो जारी और सारी रहे। इसको कोशिश की है कि मौसमी असरात से हम महफूज रखें, क्योंकि हैवी स्टॉक है। साथ में ये पिलरों की कटाई कर रहे हैं, ये लोहे की कटाई चल रही है। काम उस हिसाब से हमने रेगुलर रखा हुआ है, ताकि जल्द अज़ जल्द हम पोजीशन को क्लियर करते जाएं।